कंप्यूटर सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी यूनिट। इस वीडियो में मैं आपको मेमोरी यूनिट के बारे में एक एक चीज़ बता दूंगा। तो कोई भी एग्ज़ाम हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, आपका स्कूल का या कॉलेज का एग्ज़ाम हो, हर जगह पे एक ना एक क्वेश्चन मेमोरी यूनिट से ज़रूर मिलेगा आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। हमारा पहला है बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट होता है एक बिट के बराबर, और ये एक बिट ही कंप्यूटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। अगर आपको बोले कि मेमोरी यूनिट का सबसे स्मॉलेस्ट बताइए साइज, तो आपको एक बिट ही बोलना है। एक बिट का बात करें तो आप समझ जाइए बाइनरी डिजिट की बात हो रही है। और बाइनरी डिजिट में दो नंबर होते हैं, एक होता है ज़ीरो, एक होता है वन। ठीक है, इसीलिए इसको बाइनरी डिजिट बोला जाता है। ज़ीरो वन को बाइनरी नंबर बोलते हैं। तो कंप्यूटर में जो भी डेटा या इन्फॉर्मेशन हम सेव करते हैं वो ज़ीरो वन में ही जाके सेव होता है। कंप्यूटर को सिर्फ ज़ीरो वन ही समझ में आता है। सेकेंड है हमारा एक निबल कितने के बराबर होता है, ये भी क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। तो एक निबल होता है 4 बिट्स के बराबर, या फिर आप बोल सकते हैं हाफ बाइट। ठीक है, अगर कोई बोलते 4 बिट्स कितने के बराबर होता है तो आपको सिंपली क्या बोलना है, एक निबल। थर्ड है हमारा एक बाइट। एक बाइट कितने के बराबर होता है, 8 बिट्स के बराबर होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड बाइट, इसीलिए तो बोला गया है। तो अगर 8 बिट्स कोई बोले तो आपको एक बाइट बोलना है। दोनों तरफ से घुमा के पूछा जा सकता है, एक बाइट बोलेगा तो ये बोलना है, 8 बिट्स बोलेगा तो ये बोलना है, क्योंकि दोनों बराबर है। फोर्थ नंबर पे हमारा है एक किलोबाइट। किलोबाइट का शॉर्ट फॉर्म होता है KB। ये कितने के बराबर होता है, 1024 बाइट्स के बराबर। ठीक है, यहाँ पे S होगा। अगर आपसे कोई पूछ दे 1024 बाइट्स कितने के बराबर होता है, तो 1 KB के बराबर होता है। देखो अभी यहाँ पे हमारा है 1 MB, 1 MB। 1 MB कितने के इक्वल होता है, 1 MB इक्वल होता है 1024 किलोबाइट यानी KB के बराबर होता है। यहाँ पे 1 GB, GB का मतलब होता है गीगाबाइट। 1 GB कितने के बराबर होता है, 1024 MB के बराबर होता है, या फिर 1024 कितने के बराबर होता है, 1 GB के बराबर होता है। और देखो यहाँ पे 7th नंबर पे, यहाँ से चालू हो रहा है कंप्यूटर मेमोरी यूनिट का लार्जेस्ट इकाई। ठीक है, तो यहाँ पे पहला 7th नंबर पे हमारा है 1 TB। टेराबाइट मतलब TB। TB होता है 1024 GB के बराबर, 1024 GB। 8th नंबर पे देखो 1 PB। पेटाबाइट मतलब PB। 1 PB कितने के बराबर होता है, 1024 TB के बराबर यानी टेराबाइट के बराबर। 9th नंबर पे 1 EB। EB मतलब EB। आपको EB का फुल फॉर्म भी याद रखना है, एग्ज़ाम में तो कभी कभी फुल फॉर्म ही पूछ देता है। तो 1 EB होता है 1024 PB यानी पेटाबाइट के बराबर। 1 ZB, जेट्टा मतलब ZB, ये कितने के बराबर होता है, 1024 EB यानी EB के बराबर। यहाँ पे देखो अभी क्या है, 1 YB। YB मतलब YB, ये कितने के बराबर होता है, 1024 ZB के बराबर यानी ZB के बराबर। 1 BB, BB मतलब BB, 1 BB इक्वल्स टू 1024 YB यानी YB। लास्ट में देखो यहाँ पे क्या है, 1 GB। GB मतलब यहाँ पे भी देखो GB है, पर इस GB का मतलब होता है GB। 1 GB कितने के बराबर होता है, ये किसी के बराबर नहीं होता है, इसमें कोई 1024 का कॉन्सेप्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये कंप्यूटर मेमोरी का सबसे लार्जेस्ट यूनिट है यानी हाईएस्ट यूनिट है। और सबसे स्मॉलेस्ट वाला मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था बिट होता है। तो देखो नॉर्मल यूज़र के लिए ना ये GB तक का स्टोरेज काफ़ी होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत है, तब लोग क्या करते हैं, या तो TB लेंगे, PB लेंगे, EB लेंगे, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करेगा। और ऊपर से नीचे देखिए जो भी स्टोरेज बढ़ रहा ना, ऊपर तरफ छोटा है, नीचे जैसे जैसे आए वो बढ़ता जा रहा है। और इसको याद करने का ट्रिक क्या है, अगर आपसे कोई बोल देना 1 MB कितने के बराबर होता है, तो MB के जस्ट ऊपर क्या है, KB है, मतलब 1024 KB के बराबर। 1024 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर
आ जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको कंप्यूटर मेमोरी का एक एक यूनिट डिस्कस कर दिया है। बाइनरी डिजिट क्या होता है, क्या क्या होते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट 1 बिट बताया, सबसे हाईएस्ट यूनिट 1 GB बताया। अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।